नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है अगर सोचा जाए। कॉलम निगार हैं इरशाद भट्टी और आवाज है हानिया मुबीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अगर सोचा जाए तो ये ज़िमनी इंतखाब सबकी आंखें खोलने, सबको नींद से जगाने और सबको झंझोड़ने के लिए काफ़ी। सबसे पहले हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को शाबाश। हर इलेक्शन के बाद रोना धोना, लुट गए, मारे गए, धांधली हो गई, साडा मैंडेट चोरी हो गया, कान पक गए सुनकर। मगर मजाल है ये सब मिलकर बैठें, कोई हल निकालें, इंतखाबी इस्लाहात करें, फुल प्रूफ इंतखाबी निज़ाम बनाएं, ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इंतखाबी अमल शफाफ हो सके। करना कुछ नहीं, बस रोना धोना है। इसीलिए अब ये रोना धोना सुनकर रत्ती बराबर दुख नहीं होता। अंदाज़ा करें, 2.5 साल हो गए तहरीके इंसाफ को। 2013 के इंतखाबात तहरीके इंसाफ सड़कों पर थी, धांधली हुई, 4 हलके खोले, जलसे, जुलूस, एहतजाज, लॉकडाउन, सिविल नाफरमानी, लॉन्ग मार्च, धरने, इक्तदार मिला, 30 माह हो गए, अभी तक एक ऐसा काम ना किया कि अगले इलेक्शन में धांधली रुक सके, दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े। अगर अगले 2.5 बरस इसी तरह गुजार कर तहरीके इंसाफ ऑपोजिशन किसी दिन फिर रोए धोए कि धांधली हो गई, कौन तवज्जा देगा इसके रोने धोने पर। ऑपोजिशन जो 2.5 साल से कह रही है धांधली हुई, ये मैंडेट जाली है, ये असेंबलियाँ जाली, 11 जमाती PDM बन चुका, मगर सब के सब ना सिर्फ इन्हीं जाली असेंबलियों में बैठी हुई इसी जाली निज़ाम का हिस्सा, बल्कि 2.5 सालों में एक ऐसा काम ना किया कि अगले इलेक्शन में धांधली ना हो। लिहाजा हुकूमत ऑपोजिशन दोनों बल्कि इसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल कर लें। नतीजा 0/0, ये ज़िमनी इलेक्शन गो के सच झूठ सामने आना बाकी, लेकिन जो खबरें जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब, वोटों के बैग आगे पीछे, पोलिंग स्टेशन यरगमाल, बाकायदा मनसूबाबंदी से पोलिंग स्लो, नतीज में ताखीर, झगड़े, फसादात, मारपीट, फायरिंग, 2 हलाक 8 जख्मी, हुकूमत कह रही हम जीत चुके, नतीजा दिया जाए, ओपोजिशन कह रही धांधली हुई, पोलिंग दोबारा कराई जाए, हुकूमत कह रही हमारा सबर ना आजमाया जाए, धांधली नून लीग ने की, ओपोजिशन कह रही पहली बार इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हुआ, कोई कह रहा है वोट डालने की शरह 30-40% थी, इसे धांधली से 80-90% बना दिया गया। मतलब ऑपोजिशन हुकूमत दोनों दुहाइयाँ दे रहे, जबकि इलेक्शन कमीशन बेबसी की तस्वीर बने बैठा कह रहा हमारी पुलिस इंतज़ामिया किसी ने ना सुनी ना मदद की। ये डस्का के एक हलके का हाल। अभी इसी निज़ाम इसी इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात भी कराने हैं और 2.5 साल बाद पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई इंतखाबात भी। खुद ही सोचिए, एक हलके में 2 हलाकतें और ये हाल, पूरे मुल्क में इंतखाबात हुए तो खुदा ना खास्ता क्या कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा हुकूमत ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को चाहिए अभी भी वक्त है, कुछ ऐसा कर लें कि इंतखाबात शफाफ हों, पुरअमन हों। यहाँ जो 2 अफराद जान से गए इनके ख़ानदानों से दिली ताज़ियत, अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनके ख़ानदानों को सब्र अता फ़रमाए। ये ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी। हुकूमत अपने घर नौशेरा में हार गई। खैबर पख्तूनख्वा जहां से 7.5 साल से तहरीक इंसाफ का राज, वहां ग्रोहबंदी बल्कि एक ख़ानदानी झगड़े की वजह से हार जाना, ये इसलिए तशवीश की बात कि ऐसी ग्रोहबंदियां, इख्तलाफात तहरीक इंसाफ के हर दूसरे हलके में मौजूद। नौशेरा परवेज़ खटक का आबाई शहर, वही परवेज़ खटक जो कल एक जलसे में कह रहे थे मैं तीले को भी खड़ा करूं तो वो भी जीत जाए, इसी परवेज़ खटक का उम्मीदवार हार गया। वही परवेज़ खटक जो कल कह रहे थे जिसे चाहूं बना दूं, जिसे चाहूं गिरा दूं, चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन में गिरा दूं। वही परवेज़ खटक अपने भाई भतीजे के हाथों हार गए। भाई लियाकत खटक
जिसे सीट हरवाने के बाद सूबाई वजारत से हाथ धोने पड़ गए। वो अपने बेटे को MPA का टिकट दिलवाना चाहते थे। जब बेटे को टिकट ना मिला तो बाप बेटे ने मिलकर हलके में ऐसी चालें चलीं कि PTI का उम्मीदवार हार गया। खैर, परवेश खटक के भतीजे को टिकट मिल जाता तो वो ख़ानदान का छठा फर्द होता। इससे पहले परवेश खटक के 5 अफराद इख्तदार में। बहरहाल, तहरीक इंसाफ में अभी भी बहुत गिरोह बंदियाँ। इख्तलाफात ख़त्म कर लें, वरना नौशेरा की कहानी बाकी हलकों में भी दोहराई जा सकती है। ये ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून की आंखें खोलने के लिए काफ़ी। बिलाशुबा मुस्लिम लीग ने नौशेरा में तहरीक इंसाफ की सीट जीत ली, मगर मुस्लिम लीग की ताकत पंजाब, सेंट्रल पंजाब मुस्लिम लीग का गढ़। गो के मुस्लिम लीग नून ने वजीराबाद MPA की अपनी सीट दोबारा जीत ली, मगर मुस्लिम लीग ने 2018 के इंतखाबात में यही सीट तकरीबन 28,000 वोटों की लीड से जीती। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 21,792 जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 59,267 वोट लिए। इस बार वो सीट जो मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 28,000 वोटों की लीड से जीती थी, वही सीट इस बार 4,000 वोटों की लीड से जीती। यहाँ तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 2 गुना वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 6,000 वोट कम लिए। इसी तरह डस्का में हुआ। गो के डस्का में धांधली के इल्ज़ामात पर नतीजा रोक दिया, मगर यहाँ भी तहरीक इंसाफ ने 2018 की नस्बत ज़्यादा वोट लिए। 2018 में ये सीट मुस्लिम लीग ने 40,000 वोटों की लीड से जीती थी। इस बार हालात ये कि PTI दावा कर रही है कि वो जीत चुकी। जीत हार को एक तरफ रखें, लेकिन अपनी जगह ये एक हकीकत कि तहरीक इंसाफ का डस्का में 2018 की नस्बत वोट बैंक बढ़ा। ये ज़िमनी इंतखाबात जमीयत उलमा इस्लाम फे की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी। जमीयत खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में अपनी जीती हुई सीट तहरीक इंसाफ के हाथों हार गई। PDM के सदर मौलाना फजलुर्रहमान 2.5 साल से यही कह रहे कि 2018 में इन्हें KP में ज़बरदस्ती हरवाया गया। 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा, मतलब इंतखाबात जाली, मैंडेट जाली, असम्बलियाँ जाली। वो इस ज़िमनी इंतखाबात में KP में अपनी जीती सीट हार गए। क्या इस बार भी धांधली हुई? क्या ये सीट भी इन्हें हरवाई गई? क्या इस बार भी कोई दास्तां है सुनाने के लिए? ये सब कुछ सामने रख कर सोचा जाए तो ये ज़िमनी इंतखाबात सबकी आंखें खोलने के लिए, सबको नींद से जगाने के लिए, सबको झिंझोड़ने के लिए काफ़ी। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।